हम लोग बेटा इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। आगे स्टार्ट करने से दोबारा से एक बार रीकैप ले लेते हैं। स्टार्टिंग से हम लोगों ने सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ा था करंट का, दैट इज I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, दैट गिव्स Q इज इक्वल टू आई टी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 कूलम ऑफ चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम, तो 1 कूलम ऑफ चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 into 10 raised to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। फर्दर चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू 1.6 into 10 raised to the minus 19 कूलम। फिर इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला में पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में चार्ज, जहां से हमने वर्क डन का फॉर्मूला निकाला था दैट इज इक्वल टू VQ। फिर हमने कहा था कि जो Q है वो IT के इक्वल है, Q जो है वो IT के इक्वल है। यहां पे तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा VIT, जिससे W इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा VIT आ जाएगा। नेक्स्ट फिर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ओम्स लॉ। ओम लॉ क्या कहता है, किसी भी सर्किट के अक्रॉस जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस रहता है दैट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट। जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा करंट का वैल्यू उतना ज्यादा फ्लो करेगा, प्रोवाइडेड द टेंपरेचर रिमेंस द सेम। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमारे पास वहां पे आर आ जाएगा। आर क्या होता है, आर इज रेजिस्टेंस। आर इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होती है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस फ्लोइंग थ्रू इट। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर जो अपने अंदर से चार्जेस को फ्लो होने के लिए नहीं देता। रेजिस्टेंस की जो SI यूनिट होती है वो ओम होती है, OH, M, I stands for current, current की SI यूनिट होती है एम्पेयर, V stands for potential difference जिसकी SI यूनिट होती है वोल्ट, D stands for work done की SI यूनिट होती है जूल, Q stands for charge, charge की SI यूनिट होती है कूलम, V के लिए हो गया हमारा वोल्ट, और कुछ रह गया नहीं, बाकी सारा हमारा। फिर इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट पढ़ा था व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन। किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए, और प्रोपोर्शनल का साइन अगर मैं हटाऊंगा तो वहां पे क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा। रो का मतलब होता है रेजिस्टिविटी। ये तो मैंने यहाँ पे आपका लगाया है सिंबल आपका कांस्टेंट का, दिस इज रेजिस्टिविटी जिसको हम लोग रो बोलते हैं, आर एच ओ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, रो बोलते हैं। तो लवलीन कौर रो की एसआई यूनिट क्या होती है, ओनली लवलीन कौर रो की एसआई यूनिट ऑनलाइन तरनप्रीत चैट बॉक्स में डाल दो, तनिषा शर्मा, वन थाउजेंड ऋषि, दिवज्योत, हाँ बेटा दोनों का नहीं आता, वंशिका शर्म कर लो, आज अभी सेकंड टर्म शुरू हो रहा है, अभी से नलायक शुरू कर दिया। हाँ भी कर रहा है, ओम 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 मीटर होता है, मतलब नलायक नलायक रहेंगे। सेकंड टर्म में पढ़ाई शुरू हो चुकी है, ये नहीं कि हम टाइम से पढ़ना शुरू कर दें। रो रो किस रो के आजी वाली कितनी हो जाएगी, आर ए बाय एल के इक्वल आ जाएगा, That is R by L। अब ऐसा यूनिट निकालने के लिए R हो गया हमारा ओम, एरिया होगा मीटर स्क्वायर, लेंथ हो गया मीटर, कैंसिल हो जाएगा तो रो की ऐसा यूनिट आ जाएगी हमारी ओम मीटर। रो की जो ऐसा यूनिट है दैट इज ओम मीटर। क्लियर है बात, यहां पे जो हमारा A आता है, ए का मतलब होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और गुनीत सिंह एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ पाई आर स्क्वायर। अदित्य नाम लिखो बेटा, दुर्गा बच्चों के लिखो, वंशिका, गुनीत, लवलीन, गर्व, ये घर पे मैसेज करा जाएगा, एक सेकेंड टर्म स्टार्ट होगा फिर पढ़ाई करनी जरूरी होगी। हम लोगों ने लास्ट लास्ट में 12.5 एग्जांपल ही बेटा सॉल्व करा था,
उसी के बेसिस पे हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर 12.6 के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बस हमने आज सिर्फ इन दोनों के बेसिस पे ही क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर whose resistance is 50 ohm diameter 10 mm and length 20 meter और length कितनी आ जाएगी हमारी 20 meter आ जाएगी। तो आपको रेजिस्टिविटी निकालनी है। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, आर ए बाय एल। आर हो गया रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आपको 50 गिवन है। ए, ए का मतलब होता है एरिया। एरिया कितना होता है सर्कुलर सर्कमफेरेंस आपका क्रॉस सेक्शन का, दैट इज पाई आर स्क्वायर। आर यहाँ पे स्मॉल यूज कर लेंगे, डिवाइड बाय लेंथ। लेंथ आपका कितनी गिवन है, 20 मीटर गिवन है। क्वेश्चन में देखेंगे तो आपका डायमीटर 10 mm है, जो कि आपका मीटर में होना चाहिए mm से। तो मिलीमीटर को पहले मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो सेंटीमीटर में हो जाएगा, और 100 से डिवाइड करेंगे तो किस में आ जाएगा, ये मीटर के अंदर। 10 से 10 कट गया तो डायमीटर हो जाएगा 1, या यस दिस इज 1 × 10⁻²⁻²⁻²⁻² मीटर। फिर हमें रेडियस निकालना है, तो रेडियस हो जाएगा डायमीटर को हाफ कर देंगे तो That is half into 10 raised to the power minus 2. यहाँ पे 0 से 0 cancel. तो आपके पास यहाँ बच जाएगा 5 by 2 into pi. Pi की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 radius. Radius कितना हमारा, half into 10 raised to the minus 2 whole square. 3.14 का decimal अगर remove कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे, denominator में 100 आ जाएगा. 5 ones are into 5 22 ones are into 157. So 157 upon 20. Rho is equal to 157 divided by 20 multiplied by 1 by 2 ka square. 1 by 2 square is 1 by 4. 10 raised to minus 2 into square. That is 10 raised to power माइनस 4, ये आ जाएगा 157 20 इनटू 4 कितना मीन्स 24 दा 80 इनटू 10 रेस्ट द पावर माइनस 4। अब 157 को 80 से डिवाइड करिए, ये आ रहा 1.96 इनटू 10 रेस्ट द माइनस 4 ओम मीटर। अश्वीत सिंह क्रॉस चेक कर रही है आंसर, नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। दिस वन आ रहा है 1.9625 × 10⁻⁴, बट आंसर हम लोग जो अप्रोक्सीमेट लिखते हैं तो पीछे का 25 नहीं भी लिखोगे तो दिक्कत वाली बात नहीं है। बेटा रेजिस्टेंस क्या लिखा आपने, 5 × 10⁻⁴। रेजिस्टेंस बड़ा ये रहा 0.25 × 10⁻²⁰ का, पहले इसको डिवाइड करा हमने 10 से तो सेंटीमीटर में हुआ, फिर 100 से डिवाइड करा तो 10³ था बेटा वो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अब रेजिस्टेंस को आप कर दो बेटा 30 ओम, डायमीटर कर दीजिए 5 mm एंड लेंथ कर दो 3 mm, तो 3 मीटर। सॉल्व करो, आप करिए डायमीटर इस बार नेक्स्ट केस में 5 mm है, लेंथ 3 मीटर है, रेजिस्टेंस आपकी 30 ओम है, 10 की पावर माइनस 3 होगा बेटा,
मिलीमीटर से मीटर में करेंगे तो 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिंपल देख लो कि मिलीमीटर को मीटर सेंटीमीटर में करोगे तो 10 से डिवाइड, और फिर सेंटीमीटर को मीटर में करोगे तो 100 से डिवाइड। अब ध्यान निकल गया आंसर इसका, करो जल्दी मैम, जल्दी निकालो आंसर, घर अपने आप सॉल्व करो बेटा, सिंपल वैल्यू सर सब्स्टिट्यूट करनी है। डायमीटर 5 mm है, 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर्स में आ जाएगा, रेडियस के लिए डिवाइड करेंगे 2 से तो 5/2 × 10^-3 मीटर। रेजिस्टेंस आपके पास है 30, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर तो 3.14, रेडियस 5/2 × 10^-3 होल स्क्वायर डिवाइड बाय लेंथ, लेंथ आपके पास दिया बना 3, सेम आ गया पहले वाला। चलो देखते हैं, डेसिमल रहेंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, 3 1 10 0 0 कैंसिल, सो रो इज इक्वल टू 314/10, 5/2 स्क्वायर हो रहा है तो 5² = 25, 4² = 2² = 4 मल्टीप्लाइड बाय 10^-6, फिर 2 से कैंसिल करेंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 157, 5 से कैंसिल करेंगे 2 यहाँ पे आ जाएगा 5, तो 157 × 5 दैट इज इक्वल टू 785, कितना आ जाएगा ये 197 × 5 = 785 डिवाइड बाय 4 × 10^-6 है, माइनस 4 था पहले, अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे लोग, सेम आ रहा है, 785 को 4 से डिवाइड करो तो आ जाएगा 196.25 मल्टीप्लाइड बाय 10^-6, बट अब इस वाले को मैं डेसिमल में निकालूंगा, देखूंगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल का आता है फर्स्ट नंबर के बाद आता है, तो आ जाएगा 1.9625 मल्टीप्लाइड बाय 10^-6, 1.9625 बेसिस सेम है, पावर ऐड होगी जिससे 1.9625 × 10^-4 ओम मीटर आ जाएगा, सेम आ गया आंसर। ग्रेट, सब से क्योंकि यहाँ पे 196.25 का तो उस केस में डेसिमल लेफ्ट पे जाएगा कभी भी, तो पावर जो होगी पॉजिटिव में आएगी, अगर डेसिमल में राइट पे लेके जाऊंगा तो पावर नेगेटिव में आएगी। अरे भाई आगे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू दी रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर when length is half, अगर रेजिस्टेंस अगर मैं लेंथ को हाफ कर दूंगा तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट आएगा ये हमें निकालना है। गुलीन अगर लेंथ को हाफ कर देंगे तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट आएगा बेटा, क्यों होगा हाफ, सबने बोला मैंने पूछने दो, एक एक पूछूंगा। हाँ बेटा गुड़ी, तो लेंथ छोटी होगी, रेजिस्टेंस भी छोटी होगी, तो कम टाइम लगेगा, तो उससे क्या हुआ, प्रॉपर रीजन क्या बेटा, हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, अगर लेंथ आधी हो जाएगी तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी आधी, तो हमने डायरेक्ट बताया, तो लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस विल बी
will also be resistance will also be half because resistance of a wire is directly proportional to the length. Because resistance of a wire is directly proportional to the length. अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर दो ना, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उससे पंगा लेने की जरूरत ही नहीं है कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये वाला केस क्लियर है सबको? नेक्स्ट, हाउ डज रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर change if radius of cross section is doubled? 1/4। देखते हैं, अगर आपका रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल कर दिया है तो उस केस में रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगी? अब आपको पता है कि रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चा रो एल बाय ए के इक्वल होता है, और ए क्या होता है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्कल है तो वो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा रो एल। यहां से फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू रो एल बाय पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, जो हमारा इनिशियल बेसिक फॉर्मूला रहेगा। आपको क्या कर रहा है, रेडियस को डबल कर दिया। नया केस, रेडियस को डबल कर दिया है तो नया रेजिस्टेंस किसके लिए हो जाएगा, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी रो जो है वो सेम ही रहेगा क्योंकि वायर सेम मटेरियल की है। अब लेंथ के बारे में कुछ नहीं बोला तो लेंथ डेली रहेगी अपॉन पाई। रेडियस के बारे में बोल रहे हैं तो रेडियस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आर की जगह क्या लिखूंगा, आर डैश, नया वाला रेडियस आएगा हो जाएगा आर एल बाय पाई। आर डैश की वैल्यू कितनी है हमारी, टू आर, चलो जाएगा रो एल बाय पाई फोर आर स्क्वायर, फोर को हम लोग बाहर लिख लेंगे तो आ जाएगा रो एल बाय पाई आर स्क्वायर, और रो एल बाय पाई आर स्क्वायर का था पुराने वाला रेजिस्टेंस है। सो वी कैन से दैट न्यू रेजिस्टेंस इज 1/4 द प्रीवियस रेजिस्टेंस। क्लियर है, जमीन में हम लोग रेडियस को डबल कर देंगे, रेडियस को जमीन में डबल करेंगे तो जो नया रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा हमारा 1/4 आ जाएगा। नोट कर लो इसे, नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। इस क्वेश्चन में हमने क्या बोला है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर चेंज, हाउ डज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस वेयर चेंज होगी, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर एल बाय ए, ए होता है पाई आर स्क्वायर। जब रेडियस को क्या कर रहा है, डबल कर रहा है तो पहले आपका रेजिस्टेंस कितना होता है आर एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, रेजिस्टेंस और रेडियस को डबल कर दिया तो इस वाले रेडियस को डबल कर दूंगा तो 2r का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा बड़ा 4, 4 को बाहर कर लिया तो रो एल बाय पाई आर स्क्वायर जो कि हमारा क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 1/4 आ जाएगा। क्लियर है, ऐसे ही अगर रेडियस को ट्रिपल कर देंगे तो 1/9 हो जाएगा। पूरा नोट करो, अब दोबारा अगला क्वेश्चन लिखो, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर चेंज इफ रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ट्रिपल्ड। रेडियस तुमने क्या कर दिया है, ट्रिपल कर दिया है, तो रेडियस को ट्रिपल कर देंगे तो यहां पे हमारे पास 3 आ जाएगा, 3 9 तो 9 आ जाएगा। तो रेडियस को मैं डबल कर दूंगा तो उस केस में रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगी, रेडियस को ट्रिपल कर दूंगा तो जो आपका नई रेजिस्टेंस 1/9 हो जाएगी। अगर रेडियस को 4 टाइम्स कर देंगे तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 1/16 हो जाएगा। करो इसको, नेक्स्ट, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर चेंज इफ रेडियस इज हाफ। अब अगर रेडियस को
हाफ कर देंगे तो फोर टाइम्स हो जाएगा। रेडियस को हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया है, तो आर बाई टू हो जाएगा हमारा, जिसकी वजह से यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर बाय फोर, और ये वाला फोर फिर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट विल बी फोर आर। सो न्यू रेडियस, न्यू रेजिस्टेंस इज फोर टाइम्स दी ओल्ड रेजिस्टेंस, नोट कर लो इसको भी। अगला क्वेश्चन लिखिए बेटा, हाउ डज रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर चेंज, हाउ डज रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर चेंज if its length is doubled and area of cross section is tripled। अब आपको क्या बोल रहे हैं, जो लेंथ है लेंथ को डबल कर दिया है, और जो एरिया है एरिया को हमने क्या कर दिया है, ट्रिपल कर दिया है, टू बाई थ्री। तो रुक जाओ बेटा एक बार, करा रहा हूं मैं, रुक जाओ। अब यहाँ पे आपके पास रो जो है, सॉरी नॉट रो, रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। आपको यहाँ पे केस में बोल रहा है कि जो लेंथ है उसको डबल कर दिया है और एरिया को क्या कर दिया हमने, ट्रिपल कर दिया है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, नया रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर रो, रो विल रिमेन सेम क्योंकि मटेरियल ऑफ जो वायर है वो सेम है, एल डैश अपॉन ए डैश, एल डैश आपके पास कितना है 2l है, एरिया कितना हो गया 3 टाइम्स, तो 2 बाय 3 बाहर ले लीजिए, यहां पे आ जाएगा हमारे पास रो एल बाय ए, और रो एल बाय ए क्या होता है आपके पास रेजिस्टेंस, सो वी कैन से दैट न्यू रेजिस्टेंस इज 2/3 ऑफ प्रीवियस रेजिस्टेंस, 2/3 of previous resistance। Next, आपको अगले पार्ट में बोल रहा है कि लेंथ को हाफ कर दिया है एंड एरिया इज डबल्ड, लेंथ को हाफ और एरिया डबल, सॉल्व करो, एल डैश एल बाय टू एरिया 2a, आर डैश इज इक्वल टू रो एल डैश अपॉन ए डैश, रो लेंथ हो जाएगी एल बाय टू और एरिया, एरिया हो जाएगा 2a, that gives r dash is equal to 1/4 rho l by a, और rho l by a के previous resistance आ जाएगा, तो जो नया resistance है वो हमारा कितना हो जाएगा 1/4 आ जाएगा। कह रहे विनीत सिंह, फुल्डिंग कौर, दर विनीत, हरगुन कह रहे बेटा, सबको यहाँ पे दिजोत कौर, लेंथ इज हाफ एंड एरिया इज ऑल्सो हाफ, लेंथ को भी आधा कर दिया है और एरिया को भी हाफ कर दिया है, लेंथ को हाफ एरिया को भी हाफ, आर डैश इज इक्वल टू रो, लेंथ हो जाएगी एल बाय टू, एरिया हो जाएगा ए बाय टू, रो एल बाय दिस गिव्स रो एल बाय टू इनटू ए टू बाय ए, दिस गेट्स कैंसिल, जो आ जाएगा रो एल बाय ए
और रो एल वाई क्या हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा आर। तो इस केस में जो न्यू रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू दी ओल्ड रेजिस्टेंस, नया रेजिस्टेंस जो है वो पुराने वाले रेजिस्टेंस के इक्वल है। इजी है मुश्किल है क्वेश्चन? इजी है। अब मैं का एक डाउट है ले लेते हैं, तो मैं कहेगा सर गुस्सा करेगा तो मेरा डाउट नहीं है। क्वेश्चन लिखिए आम का है पर ये देख लेते हैं। अ टीवी सेट शूट्स आउट अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स The beam current is 10 UA. ये U का मतलब क्या हो जाएगा? माइक्रो एम्पेयर। सर ये कर रखे हैं पहले, कोई बात नहीं बेटा। फर्स्ट हमने कर रहा, हो सकता है याद ना हो, हम लोगों ने पहले चैप्टर कर लिया था। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक द टीवी screen in each second, how much charge strikes the screen in 2 minutes? क्वेश्चन लिख लो। आपका बोल रहा है अ टीवी सेट शूट्स आउट अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द बीम करंट इज 10 यूए माइक्रो एम्पीयर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक द टीवी स्क्रीन इन ईच सेकंड एंड हाउ मच चार्ज स्ट्राइक द स्क्रीन इन 2 मिनट्स। तो बुलिंग नहीं, बुलिंग के पीछे लवलिंग कॉल, ये तो हमें करंट गिवन है ठीक है ना, बट करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। बट तो माइक्रो में गिवन है, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? उसमें कन्वर्ट करने के 10 की पावर -3 और 10 की पावर -6। -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 से करेंगे ठीक है ना। बुक मेरा दूसरे पेज पे गिवन है, मार्क भी करवाया है, 10 की पावर -6 आ जाएगा। तो जिसकी वजह से जो करंट है वो हो जाएगा 10^-5 आ जाएगा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक इन 1 सेकेंड, तो टाइम हो जाएगा पहले 1 सेकेंड। आई किसकी इक्वल होता है? क्यू बाई टी। क्यू क्या होता है? चार्ज। चार्ज कितना हो जाएगा? आई टी। आई आपके पास गिवन है 10^-5। टाइम कितना है आपके पास? 1 सेकेंड। तो चार्ज कितना हो जाएगा? 10^-5 कूलम्ब। चार्ज आ जाएगा आपके पास 10^-5 कूलम्ब। बट जसकरण सिंह क्वेश्चन में क्या मांग रहा है? वहां से इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, ये तो मैंने कूलम्ब में निकाल दिया। जसकरण कैसे करूंगा मैं? किससे मल्टीप्लाई करूंगा बेटा? सब बस एक इलेक्ट्रॉन से नहीं। चार्ज कितना है? 10^-5 कूलम्ब है। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब इज 6×10^18। और कितना हमारे पास कूलम्ब का चार्ज आया? 10^-5। तो 6×10^18×10^-5 जो आ जाएगा 6×10^13। तो 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे? 6×10^13 इलेक्ट्रॉन्स। इज दिस क्लियर? यस सर। तरन, जपनीज, एवरीवन, हम लोगों ने I = QYT से पहले चार्ज निकाला, इसलिए
चार्ज आ गया हमारे पास। अब पता है एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 × 10⁻¹⁸, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे 6 × 10⁻¹⁸ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है प्रताप सीरत। अब बोल रहा है कितना चार्ज कितनी देर में है, 2 मिनट्स में। मैंने आपको यहाँ पे कितने मिनट में निकाला, हमने 1 सेकंड में निकाला है, तो 2 मिनट्स के लिए, 2 मिनट्स के लिए आप क्या करोगे, इसको 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 120 = 720 × 10⁻³⁰, डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा 7.20 × 10²³⁰, दैट इज 7.2 × 10⁻¹⁵ इलेक्ट्रॉन्स। इज दिस क्लियर, नोट कर लो इसको। तो क्वेश्चन बहुत आसान सा है, मेन तो सिर्फ यहाँ पे कन्वर्जन, कन्वर्जन हमारी इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे इजी है आपका। ठीक है, अरे एक मिनट, ठीक है, मुझे पता है चार्ज है बेटा, मैं इलेक्ट्रॉन पूछा था कितना है, तो हमारे यहाँ पे क्या निकला, अभी आपका चार्ज निकला है, सॉरी इलेक्ट्रॉन निकले, बट क्वेश्चन में हमने क्या पूछा था, चार्ज पूछा था। तो चार्ज के केस में क्या करेंगे हम, सिर्फ इसी को, ये जो आया ना, सिर्फ इसी को हम लोग क्या करेंगे 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये हमने चार्ज 1 सेकंड का निकाला था, 120 क्यों करा, क्योंकि 2 मिनट के लिए बोल रहे हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.2 × 10⁻³। 1.2 × 10⁻³ ये आ जाएगा आपके पास।